नमस्कार। तो आज से एक नई सीरीज हम चला रहे हैं। इस सीरीज में जो है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे, सेक्शन वाइज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज फर्स्ट वीडियो है, आज की वीडियो हम हिस्ट्री का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर के दो तीन पेपर उठाएंगे और उन सभी को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति क्या है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन ए एग्रीकल्चर जो है वो सही आंसर होगा। अभी ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि डिटेल में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन से, बट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 122, द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ जैन्स वॉज, तो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे, वो थे ऋषभनाथ। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो सभी आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, इनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। इनका जन्म जो था वो अयोध्या में हुआ था, और इनके जो जैन धर्म की बात की जा रही है, जैन धर्म के जो 22 नंबर के तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी उनका नाम था। और तेहुए 23 नंबर के जो तीर्थंकर थे उनका क्या नाम था, 23 नंबर के तीर्थंकर थे उनका नाम पार्श्वनाथ था। ये सब आप याद रखिए। अब जैन धर्म जो है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी को माना जाता है, महावीर स्वामी को उनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो महावीर स्वामी का जन्म जो था वो कुंड ग्राम में हुआ था, कुंड ग्राम में 540 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, इनके दामाद का नाम जमाती था, और इनकी मृत्यु जो थी वो 468 ईस्वी पूर्व जो था वो हो गई थी, और पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये आप महावीर स्वामी के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 है, हु वॉज द फर्स्ट गुप्ता नॉन रूलर, गुप्ता रूलर, तो प्रथम गुप्त शासक के रूप में किसको जाना जाता है, जो पहले गुप्त रूलर हैं उनके रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन ए सही आंसर है, श्री गुप्त को जाना जाता है। अब यहाँ से भी गुप्त जो गुप्त काल है उस गुप्त काल के बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे तो पहला शासक इसका श्री गुप्त को माना जाता है, ये बात आपको पता चल गई, परंतु जो गुप्त वंशावली है उसके अनुसार पहला शासक जो है वो चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ी सी जानकारी याद रखिए। चंद्रगुप्त को जो था वो महाराजा धीराजा के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त के बाद अलग अलग राजा हुए, चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। ये जो समुद्रगुप्त था ये भी इम्पोर्टेंट है। तो समुद्रगुप्त के बारे में ये क्वेश्चन पूछ जाता है कि समुद्रगुप्त को जो था वो किसने भारत का नेपोलियन कहा था, तो समुद्रगुप्त को जो था वो भारत का नेपोलियन V.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था, ये भी आप याद रखिए। कविराज की उपाधि भी जो था समुद्रगुप्त को प्रदान की गई थी, तो ये समुद्रगुप्त के बारे में याद रखिए। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था ये भी काफ़ी फेमस था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इनके शासन में जो था वो कुछ इंपॉर्टेंट लोग आए थे, जैसे कि दरबारी जो थे इनके वो थे कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, वराहमिहिर और वररुचि, ये इनके कुछ नवरत्नों में शामिल थे। तो ये आप चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी याद रखिए। अब जो HPSSC में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से भी पूछा जाता है कि अजंता की जो पेंटिंग्स हैं वो कौन से पीरियड से बिलोंग करती हैं, तो अजंता की जो पेंटिंग्स हैं वो गुप्ता पीरियड से ही बिलोंग करती हैं, ये याद रखिए। 124 क्वेश्चन देखिए, 124 क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर पूछा गया है द कैपिटल ऑफ पल्लवास वॉज, तो पल्लवों की राजधानी जो थी वो कहाँ पर थी, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। तो पल्लवों की राजधानी क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन बी सही आंसर है, कांची में इनकी राजधानी थी। तो पल्लव राजवंश के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो ये जो पल्लव वंश था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसकी स्थापना जो थी वो सिंह विष्णु के द्वारा की गई थी, सिंह विष्णु ने पल्लव वंश की स्थापना की थी। इनकी राजधानी जो थी वो कांची में थी। पल्लव वंश के एक राजा थे जिनका नाम था नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो था वो कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया गया था और एरावतेश्वर के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा।
तो ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, 125 है खिलजी सल्तनत ऑफ दिल्ली वर, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो ये क्या थे? क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन ए जो था वो सही आंसर, तुर्क ये लोग थे, तो सुल्तान जो थे ये तुर्क थे। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर। खिलजी वंश की बात करते हैं, देखो खिलजी वंश की स्थापना जो थी वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने की थी, ये आपको पता चला यहाँ से। खिलजी वंश के एक राजा थे जिनका नाम था अलालुद्दीन खिलजी, तो अमीर खुसरो जो थे वो अलालुद्दीन खिलजी के समकालीन थे। तो बस ये थोड़ी सी जानकारी आप खिलजी वंश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 126, 126 है बहमानी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय, तो ये जो बहमनी साम्राज्य था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलालुद्दीन हसन के द्वारा की गई थी, अलालुद्दीन हसन ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। देखो अलालुद्दीन हसन ने जो था वो बहमनी शाह की उपाधि धारण की थी और बहमन साम्राज्य की जो थी इन्होंने स्थापना की थी, ठीक है। तो ये आप इनके बारे में याद रखिए, बस यहीं से इतनी जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए, 127 है हु स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जन तो, गांधी जी का ये जो फेवरेट सॉन्ग था वैष्णव जन तो, ये किसके द्वारा लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 127 का ऑप्शन डी नरसिंह मेहता जो है वो सही, नरसिंह मेहता सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी? यहाँ पर पूछा गया है पहली महिला प्रेसिडेंट, कांग्रेस की जो पहली महिला प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? ऑप्शन ए सही आंसर है, एनी बेसेंट जो है वो सही आंसर है। एनी बेसेंट तो पहली महिला प्रेसिडेंट थी। अब पूछा जाए कि पहली महिला भारतीय प्रेसिडेंट कौन थी, तो पहली फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट कांग्रेस की थी सरोजिनी नायडू। एनी बेसेंट जो थी वो कब कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी? एनी बेसेंट जो था वो 1917 ईस्वी में, 1917 में जो था वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी और कलकत्ता का सेशन था इसमें ये बनी थी। और अगर बात की जाए सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू जो थी वो कब बनी थी? तो 1925 में सरोजनी नायडू जो थी वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी और ये कानपुर का सेशन था जहाँ पर इन्हें बनाया गया था। सरोजनी नायडू से पहले जो था वो 1924 में महात्मा गांधी बने थे बेलगांव सेशन, बेलगाम सेशन में महात्मा गांधी इसके प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो ये आप याद रखिए कांग्रेस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 121 सबसे पहले देखिए, तो ये जो 121 क्वेश्चन है ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नॉन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें कौन सा प्राणी या फिर कौन सा एनिमल जो था वो ज्ञात नहीं था? तो इसमें जो था वो जिराफ ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। जिराफ एनिमल जो था वो नॉन नहीं था, इससे ये परिचित नहीं थे यहाँ के लोग। अच्छा अगर कुछ और एनिमल्स के बारे में जाना जाए जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान थे, तो वो कौन कौन से एनिमल थे? जैसे कि बैल हो गया, भैंस हो गई, गाय हो गई, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, कुत्ते हो गए और खच्चर हो गई, ये सभी तो सभी जानवर जो थे ये इंडस वैली लोगों के द्वारा जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा जाने जाते थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। अगर कुछ और इम्पोर्टेंट बात करें आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा जो स्थल है इम्पोर्टेंट, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये पाकिस्तान में है और हड़प्पा भी पाकिस्तान में है। और उसके बाद चान्हुदड़ो आता है, तो चान्हुदड़ो जो है वो सिंधु घाटी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है और राजस्थान में ये स्थित है। रोपड़ पंजाब में है और सतलुज नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और धौलीवीरा जो है वो गुजरात में है और कच्छ नदी के किनारे स्थित है। राखीगढ़ी जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है और हरियाणा में स्थित है। और मोतीथल जो है ये भी हरियाणा में स्थित है। और बनवाली जो कि सरस्वती नदी थी उसके किनारे स्थित था और हरियाणा में ये स्थित है। तो ये मैंने कुछ थोड़ी सी जानकारी आपको बता दी जैसे आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो पाए। अब अगला देखते हैं, अगला है कौटिल्यज अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑफ, जो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र किताब थी वो किस विषय पर थी? तो क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन डी सही आंसर है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, ऑप्शन डी राज्य की शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास के ऊपर एक किताब बनाई गई थी। 122 का ऑप्शन डी सही आंसर है। अच्छा ये जो अर्थशास्त्र ग्रंथ था ये किसके द्वारा रचा गया था? तो इसकी रचना जो थी वो चाणक्य के द्वारा की गई थी। चाणक्य के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो चाणक्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे ये चाणक्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जो था
वो नंद वंश के जो अंतिम संस्थापक थे धनानंद, इनको पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो इसका आंसर होगा चाणक्य। नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो अभी कुछ दिन पहले ये एग्जाम हुआ था तो वहां पर हमने ये डिस्कस किया था। धनानंद इसके संस्थापक अंतिम संस्थापक थे नंद वंश के, और मौर्य वंश की स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 123 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, तो निम्न में से कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था। देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा कौन नहीं था, तो क्वेश्चन नंबर 123 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, चोला इसका सही आंसर है 123 का। चोला जो थे वो इसका हिस्सा नहीं थे जो त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो बात चोल राजवंश की कर लेते हैं। देखो, इसके बारे में भी बेसिक सी जानकारी तो आपको एटलीस्ट होनी चाहिए। तो चोल साम्राज्य था, साम्राज्य जो था इसकी स्थापना की गई थी विजयालय के द्वारा। तो विजयालय ने इसकी स्थापना की थी और इनकी राजधानी जो थी वो थी तंजौर में, ये भी आप याद रखिए इनके बारे में। तो बस इतनी सी जानकारी आप चोलों के बारे में याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 124 है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, तुगलक राजवंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे। देखो, तुगलकों के अंतिम शासक कौन थे ये इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 124 का ऑप्शन सी सही आंसर है, मोहम्मद शाह तुगलक। मोहम्मद शाह तुगलक जो थे वो अंतिम शासक थे। अब तुगलक राजवंश के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखो, ये जो तुगलक साम्राज्य था, तुगलक वंश था, इसकी स्थापना की गई थी ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा। ग्यासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। जब तुगलक वंश चला था तो उस दौरान एक मरक्को के यात्री थे जिनका नाम था इवन बतूता। तो इवन बतूता भी भारत आए थे। पूछ लिया जाए कि इवन बतूता जो थे वो किसके कार्यकाल में भारत आए थे या फिर ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, तो इवन बतूता मरक्को के एक यात्री थे, ये भारत आए। अभी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि ये कहाँ कहाँ के यात्री थे, कौन सी कंट्री के यात्री थे टीजीटी नॉन मेडिकल में, तो ये मोरक्को के यात्री थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 125 क्वेश्चन नंबर, 125 क्वेश्चन नंबर है, विच मुगल एम्परर लिफ्टेड दी जाजिया ऑन हिंदूज, ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने हिंदुओं पर से जाजिया कर उठा लिया था। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन सी सही आंसर है, अकबर। अकबर जो था वो ऐसा राजा था जिसने हिंदुओं पर से जो था वो जाजिया कर उठा लिया था। अकबर के बारे में याद रखिए कि अकबर के कार्यकाल में पानीपत का दूसरा युद्ध भी हुआ था, ये 1556 में हुआ था। ये पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो बेरम खां के नेतृत्व में लड़ा गया था, और लड़ा किसके साथ किया था, तो ये युद्ध जो था मोहम्मद आदिल शाह सूर के वजीर थे सेनापति हेमू, तो हेमू और बेरम खां के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। इसमें हेमू की जो थी वो हार हो गई थी। अकबर के द्वारा जो था वो दीने इलाही की स्थापना भी करवाई गई थी, तो दीने इलाही की स्थापना 1582 में जो था वो करवाई गई थी, ये आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 126, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज अपॉइंटेड इन, तो पहले जो गवर्नर जनरल थे भारत के वो कब अपॉइंट किए गए, तो 126 का ऑप्शन बी सही आंसर है, 1833। 1833 में भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो अपॉइंट किए गए थे। अब भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम जो था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, ये भी आप याद रखिए। और अगर बात की जाए, देखो तो यहाँ पर कई बार कन्फ्यूजन रहता है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। 1772 में बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए, तो 1772 से लेकर 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल ही रहे, और उसके बाद 1833 में जो था वो भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। तो विलियम बेंटिक को किया गया नियुक्त 1833 में, 1833 से लेकर 1857 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो उसके बाद वायसराय जो था वायसराय को नियुक्त किया गया। पहले वायसराय कौन नियुक्त किए गए थे, ये तो बिल्कुल आसान है, ये आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं, दी ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वाद, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो था वो मूल नाम क्या था। 127 का जो है वो ऑप्शन डी मूल शंकर जो है वो सही आंसर है। मूल शंकर इनका जो था वो असली नाम था। अगर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो था वो आर एस समाज की स्थापना की गई थी। आर एस समाज की स्थापना इनके द्वारा 1875 में की गई थी, और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा नारा भी दिया गया था, एक स्लोगन दिया गया था, वेदों की ओर लौटो।
ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो था वो दिया था। तो ये आप इनके बारे में याद रखें, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। अच्छा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी ये आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 128। 128 क्वेश्चन है, द स्वराज्य पार्टी वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग द फेलियर ऑफ, तो ये जो स्वराज्य पार्टी था ये किसके फेलियर के बाद जो था इसका गठन किया गया था। स्वराज्य पार्टी का गठन जो था वो किया गया था किसके फेलियर के बाद। 128 का ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो सही आंसर है। असहयोग आंदोलन जो था ये फेल हो गया था, उसके बाद जो था वो स्वराज्य पार्टी का गठन किया गया था। और ये जो स्वराज पार्टी थी इसका गठन किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था, तो 1923 में जो था वो इलाहाबाद में ये स्वराज पार्टी बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी, तो CR दास, चितरंजन दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो था कांग्रेस से अपना त्याग पत्र दे दिया गया था और 1923 में जाकर इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। चौरा चौरे की घटना कब हुई थी, तो ये आप कमेंट करके बता दीजिए कि चौरी चौरा की घटना जो थी वो कब हुई थी। तो ये हमने दो पेपर डिस्कस किए, इन दो पेपरों का हमने हिस्ट्री का सेक्शन डिस्कस किया, कल इन्हीं पेपरों का हम पॉलिटी का सेक्शन डिस्कस करेंगे, उसके बाद इकोनॉमी का सेक्शन, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर जो भी सेक्शन होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। जब ये दो पेपर खत्म हो जाएंगे उसके बाद नेक्स्ट के टू पेपर हम उठाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।